सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख। क्या है ऋतिक की असली कहानी? ऋतिक ने अभी तक कितने अवार्ड जीते हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अभिनेता ऋतिक रोशन एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए हैं और अपने डांस मूव्स के लिए फेमस है। साथ ही भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें 6 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, 4 और सर्वश्रेष्ठ पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के लिए एक एक पुरस्कार शामिल है। वो आए और लोकप्रियता के आधार पर फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 में कई बार अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें, ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को बॉम्बे में बॉलीवुड में हुआ था। उनके पिता अभिनेता और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन हैं, जो संगीत निर्देशक रोशन लाल नागराथ के पुत्र हैं। उनकी माँ पिंकी निर्माता हैं, जो निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। उनके चाचा राजेश रोशन एक संगीतकार हैं। ऋतिक की एक बड़ी बहन सुनैना है। ऋतिक रोशन कीन सिडैन हैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मुंबई से बीकॉम की है। रोशन ने साल 2000 में सुजैन खान से शादी की और उनके 2 बेटे हैं। 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक हो गया। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपने नाना जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित 3 फिल्मों में अभिनय किया, वो थे आशा और भगवान दादा। ऋतिक रोशन ने बाद में 4 फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिनमें खुदगर्ज और करण अर्जुन शामिल है। इन सभी का निर्देशन उनके पिता राकेश ने किया था। आपको बता दें, रोशन की पहली प्रमुख भूमिका कहो ना प्यार है 2000 में अमीषा पटेल के साथ आई, जो उनके पिता द्वारा निर्देशित थी, जिसके लिए उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कभी खुशी कभी गम, आप मुझे अच्छे लगने लगे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ शामिल हैं। साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, क्रिश 2, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3 और बैंग बैंग प्रमुख सुपरहिट फिल्में। अब आपको ऋतिक अपनी अगली फिल्म फाइटर में दिखेंगे, जो 28 सितंबर 2023 में रिलीज होगी। आपको बता दें, इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ आपको दीपिका भी दिखाई देंगी। ये फिल्म भारत की पहली एरियल फिल्म होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फाइटर के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।